वैष्णो सो जिस ऊपर सु प्रसन्न, वैष्णो का है विष्णु भगवान की उपासना करने वाला। विष्णु भगवान यहाँ पर कहे निरंकार को, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उस अकाल पुरख उस वाहिगुरु, असली भगत वो है, असली वैष्णव वो है जिस ऊपर सुप्रसन्न, जिस पर वो प्रसन्न हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विष्ण की माया ते हो पिन, विष्णु भगवान की माया क्या है, जो माया से बच जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया भी उसकी रची हुई है सारी, है ना, मायापति कहते हैं ना, उसी की रची हुई माया से बच के निकल जाए, वो है असली विष्णु जी का भगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस पर पूरी प्रसन्नता होती है कि इम्तिहान लिया और इम्तिहान में से बच्चा पास हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निरंकार ने इम्तिहान लिया और इम्तिहान में से पास हो जाए, अपनी माया डाली पर वो माया में से निकल जाए। वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, वैष्णो की माया ते होए पिन, कर्म करे तो होवे नहीं कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म करें पर नहीं कर्म हो जाए, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूं और उसके पीछे मुझे कुछ पाने की इच्छा है, ध्यान से समझना, चाहे वो नेक काम है, उसके पीछे फल पाने की इच्छा है ना, तो अगर मुझसे कोई गलती होगी उसमें तो उसकी सजा भी है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, बड़ा कीमती पॉइंट है। अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो किसी भी गलती का, किसी भी पाप का सजा नहीं मिलेगी कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर मैं कोई कर्म कर रहा हूँ और कर्म करते हुए मुझे इच्छा है फल की, और उस कर्म करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाती है उस कर्म को करते हुए, तो उसकी सजा है। किसी का दिल दुख जाए, मैं नहीं चाहता पर हो जाए, सजा है, क्योंकि मैंने जो कर्म किया है उसके पीछे फल की इच्छा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कर्म करके फल की इच्छा नहीं है, तो जब पुण्य की इच्छा नहीं है तो पाप भी नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे मुझसे 100 गलतियां हो जाए, अगर मेरी फल की इच्छा नहीं है, पुण्य नहीं कमाना मुझे, मुझे सिर्फ गुरु को प्रसन्न करना है, तो अगर मुझसे गलतियां हो भी जाए तो उसकी सजा भी नहीं है, क्योंकि अगर पुण्य नहीं है तो पाप भी नहीं है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुण्य की इच्छा से करूंगा कोई काम तो पाप भी लगेगा, अगर पुण्य की इच्छा नहीं है तो पाप की भी वहां कोई जगह नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से, तू मार। कहने लगा इतने लोगों को मारूं उसका पाप, कहने के किस बात का पाप, तू सिर्फ फर्ज निभा। तू अगर ये सोचकर युद्ध करेगा कि तुझे युद्ध जीतना है, किसी को हराना है, तो फिर इनका पाप तुझे लगेगा। तू युद्ध इसलिए कर क्योंकि तेरा फर्ज है युद्ध करना, तो इन्हें कितनों को भी मार, कोई पाप नहीं लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मार पहले भी रहा है, बात सारी विचारों की है कि सोच क्या रहा है। तो हमेशा दास कहता है, वाणी कहती है ना, कि जो जी हो सो गए मुँह का कहे अबाओ। कि हम दुनिया ये देखती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, गुरु ये देखता है कि कर क्यों रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक घटना याद आ गई मुझे, इस वक्त नाम नहीं याद, युद्ध चल रहा है, हजरत कौन से थे मुझे नाम नहीं याद, मुसलमानों में कोई पीर थे, युद्ध चल रहा है, युद्ध के मैदान में जंग हो रही है, वो भी तलवार चला रहे हैं, मार रहे हैं दुश्मनों को, दुश्मन भी उन पर हमला कर रहे हैं। अचानक उन्होंने तलवार रोक दी और दुश्मन हावी हो गया, तो बहुत सारे सैनिक आ गए उन्हें बचा के लगे। कहने लगे आपने तलवार रोक क्यों दी, लड़ना क्यों बंद कर दिया। कहने लगे मुझे गुस्सा आ गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मैं क्रोध में तलवार चलाने लगा था। तो कहने लगे तो फिर और कैसे चलाते। कहते नहीं, मैं युद्ध कर रहा हूँ क्योंकि युद्ध करना मेरा फर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा कोई दुश्मन नहीं, जुल्म करने आ रहा है, रोकने के लिए मुझे मारना पड़ रहा है, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं। मैं लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे लड़ना है, पर क्रोध में मारने जा रहा था मैं, तो ये तो कर्म हो जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को गहराई को समझ रहे हो, मार तब भी रहे थे, मार अब भी रहे हैं, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा था, तीर पर सोना क्यों लगाया है, कि सामने वाला जब आ रहा है हमारे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो जुल्म करने आ रहे हैं, हमें मारना पड़ रहा है। तीर पे सोना इसलिए लगाते हैं अगर जख्मी हो जाए तो उसके मरण पट्टी के काम आ जाए, अगर मर जाए तो उसके कफन दफन में काम आ जाए वो सोना। विचार देखो, सोच देखो, क्यों, किसी से दुश्मनी है ही नहीं, निर्वैर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
ये क्यों है? कर्म करत होवे नह कर्म, कर्म कर रहा है पर फल की इच्छा नहीं है तो नह कर्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, असल में वही असली भगत है निरंकार का, विष्णु का, जिसने धर्म कमाया है, जो कर्म करते हुए नह कर्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।